धर्मशास्त्र की माने तो भगवान श्री हरि कई बार इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, त्रेता युग में श्री राम, फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण। मानव देह में उनके प्रमुख दो अवतार हुए हैं। भारतीय जनमानस में इन दोनों रूपों में उन्हें ईश्वर के रूप से पूजा जाता है। हालांकि धर्मशास्त्र के अध्ययन के आधार पर तुलना की जाए तो कृष्णा अवतार में रामा अवतार से ज्यादा कलाएं थीं। श्री राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे और 12 कलाओं से युक्त थे। वह सूर्यवंशी थे और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की समस्त कलाएं श्री राम में विद्यमान थी। वहीं अगर हम बात करें भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार की तो वो थे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु का 8वां अवतार पृथ्वी पर लिया था, जिस अवतार में भगवान 16 कलाओं से युक्त थे। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वंशज थे। इस अवतार को भगवान का पूर्ण अवतार भी माना गया है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखलाया था स्वयं का। उन्होंने खुद को ही ईश्वर बताया था। उन्होंने कहा था कि सब प्राणी मुझसे ही हैं और मैं सबसे मिला हुआ हूँ। मन की गति से कहीं भी प्रकट हुआ जा सकता है। उन्हें 64 विद्याओं का भी ज्ञान था। अब बात करें प्रभु श्री राम के बारे में तो प्रभु श्री राम को पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वे एक आदर्श व्यक्तित्व हैं। एक धनुष और एक वचन धारण करने वाले थे। उन्होंने एक पत्नी व्रत भी धारण कर रखा था। उनके इसी तरह से 16 गुण थे और 12 कलाओं से युक्त थे। माना जाता है 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया था और इसीलिए उन्होंने स्वयं को ईश्वर तुल्य भी बतलाया था। माना जाता है जो स्थिर है जैसे कि पत्थर और पेड़, उन सभी में एक या दो प्रकार की कला पाई जाती है। वही जो चढ़ हैं जैसे कि पशु पक्षी, उनमें 2 से 4 कलाएं प्राप्त होती हैं। साधारण मानव में 5 कला और संस्कृति युक्त समाज वाले व्यक्तियों में 6 कला की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों या महापुरुषों में 8 कला प्राप्त होते हैं। 9 कलाओं से युक्त सप्तऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि होते हैं। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है, जैसे कि वाराह, नरसिंह, कुंभ, मत्स्य और वामन अवतार। उन सभी में लगभग 10 से 11 कलाओं का अभिभाव पाया जाता है। अब बात करें भगवान श्री राम के 16 गुणों के बारे में। सर्वप्रथम भगवान श्री राम का सर्वप्रथम गुणवान ही गुण था, वो योग्य और कुशल थे। उनका दूसरा गुण था प्रशंसक और सकारात्मकता, वह किसी भी प्रकार की किसी की निंदा नहीं करते थे। उनका तीसरा गुण था वह धर्म के ज्ञाता थे और धर्म के रक्षक भी थे। वहीं उनका चौथा गुण कृतज्ञ था, वह आभारी और आभार जताते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का 5वां गुण था सत्य बोलना, वह कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। श्री राम का 6ठा गुण था अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना। उनका 7वां गुण था सदाचारी रहना, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा और अच्छे आचरण वाले के साथ रहना। उनका चरित्र आदर्श था सभी के लिए। उनका 8वां चरित्र था सहयोगी और सभी प्राणियों की रक्षा करना और 9वां चरित्र था उनका बुद्धिमान और विवेकशील रहना। 10वां समर्थशाली रहना, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाले समर्थवान। भगवान श्री राम का 11वां गुण उनका सुंदर मुख था। 12वें गुण के अनुसार भगवान श्री राम जितेंद्रिय थे, अर्थात उन्होंने अपने मन को जीत लिया था। 13वां गुण उनका शांत और सहज रहना था। भगवान का 14वां गुण उनका कांतिमान रहना था, चमकदार शरीर और अच्छा व्यक्तित्व। भगवान श्री राम का 15वां गुण स्वस्थ, संयमी और हष्ट पुष्ट था और उनका 16वां गुण इस प्रकार सा था कि वे काफ़ी बड़े धनुर्धर थे और साहसी थे। और इन सभी गुणों के चलते ही भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया।